अस्सलाम वालेकुम जी, डडियाल च इस टाइम मैं मौजूद हाँ जाफराबाद ने करीब जमान चौक ना एरिया है। जमान चौक ने बाईपास से जानी भी है। दो डकैती कराए अंदर रचने हैं, इस तरह और रिंग करने हैं। रिंग करने तो बाद एक पिस्टल रखने हैं। इस कराने जेडे मुतलका बंदे हैं उन्होंने कन पट्टी पर ना लियो आने हैं कि तुसा ने करा जो कुछ भी है असा की दियो। इस तरीके ने वाकियात अज डडियाल च होया है। इसने तो पहले डडियाल की तारीख इस तरह ना कोई वाकया नहीं होया। हूँ असा जनाब जिन्हें हनीफ भट्ट साहब ने कहा अस अंदर जुले हैं, उन्होंने पूरा मामला पूछने कि क्या मामला होया। इस वीडियो की ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो ताकि मुतलका जो बंदे सन डकैत सन उन्होंने ट्रेस किया जा सके। फिलहाल असं जुले अंदर हनीफ भट्ट साहब को पूछा कि असल वाकया क्या होया। अच्छा जी, इस घराने ऑनर मोहम्मद हनीफ साहब सर नाल असा इन्होंने गल करने। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब जी। वालेकुम सलाम हनीफ साहब। तुसा असा की बया असा तक पुलिस वगैरह भी थे आई हुई, पूरा वाकया होया क्या जी डकैती हुई है, तो सब प्लीज सारी ऑडियंस की ये जड़ा है ना। सर तकरीबन एक बजे ने टाइम सा था, कार और कोई नहीं सर, एक मेरी वाइफ थे एक बेटी सी कार, तो वो डकैत जो आए मोटरसाइकिल पर ना बाहर मोटरसाइकिल खड़ा किया, तो बैल दी ने बैल देने तो बाद वो मेरी वाइफ जरा ना अच्छी दरवाज़ा बाहर वाला मेन गेट वो पूछा कि कौन है, तो ना है जी कि मैं हूँ। तो इस सोचा कोई अपना मतलब साड़ा रिश्तेदार या कोई रिश्तेदार बंदा है, तो उस गेट खोलिया, गेट खोलने नाल ही उस रिवारोल जड़ा ना कनपट्टी पर रखिया और आया कि सो बोलिया ना बोलिया तो गोली मारी छड़ सो। वो दो बंदे से एक सफेद कपड़े सा बंदा था, एक काले लिबास सा। अंदर जाने तो बाद सीधा उन्हें बेडरूम उत्थे मेरी कैबिनेटियाँ बनी हैं काफ़ी, मतलब जिस माड़ा समान कपड़े शपड़े बैग ज्यूलरी ना समान सारा कुछ उत्थे सा। उत्थे तकरीबन चार साढ़े चार लाख रुपया कैश सा माड़ा पिया। ठीक है, ठीक है। ते कोई दो ढाई तोले जेवर सा वो ना उतु किंदा, एक ते कनपट्टी पर कंटिन्यू गन रखी रही, तो दूसरे ना वो जड़ा ना सारा जड़ा कोई इतिहास हो पूरा उस कढ़िया उन्होंने बैगों चो। तो कोई पंजा मिनटों ने अंदर अंदर वो ये कम करी, तो वाइफ की फिर गन पट्टी पर रखी, तो गेट तक लैके गए, गेट है मोटरसाइकिल खलता था, मोटरसाइकिल वो स्टार्ट करी था। अच्छा, कार ने अंदर उस टाइम कोई मेल है नहीं सी? जी बिल्कुल कोई नहीं, एक मेरी बेटी सी जड़ी मतलब 20 साल नहीं उम्र नहीं, वो दूसरे कमरे सुती सी। ठीक है, एक छोटा जहा बेटा सा तकरीबन 25 दिन ना, वो मेरे भाई ना वाइफ फोत हुई सी, तो उसने असम बेटा एक अडॉप्ट किया हुआ तकरीबन पिछले कोई 25 दिन तो। ठीक है, तो वो छोटा जहा मासूम बच्चा सा, बस एक मेरी बीवी सी, जिस भी कोई डकैती की थी उसकी ये पूरी ये इन्फॉर्मेशन प्लान सा पूरा, ये बंदा इसलिए कार नहीं भाई या दुकान पर आ या किधर आ, वो पूरा मैडम सोचने मुताबिक तकरीबन मेरे ख्याल च वो पिछले 8-10 दिन तो फॉलो करी रहा, या उसकी शायद इल्म हो या हर चीज़ है ना। डकैत अच्छे कराने अंदर रिंग करने तो बाद कनपट्टी पर पिस्टल रखी, तो वारदात करने हैं, डकैती करने हैं, कराने अंदरू कैश नकदी कि नहीं जाने, ज्यूलरी वगैरह आ जी वो कि नहीं जाने हैं, तो तुसा तक ही सकने हो। असा हूँ ये पूरा वाकया पुलिस वास्ते भी जाहिर है, पुलिस विचों SHO अमार डार साहब ना एक बड़ा ना आ पूरे आज़ाद कश्मीर ने अंदर, ये वाकया उन्होंने वास्ते भी हूँ एक चैलेंज बनी गया। अच्छा हनीफ साहब, ये दसो कि पुलिस नहीं कॉरपोरेशन किया जी है इस मामले में? पुलिस बहुत ज़्यादा तावन कर रही, काफ़ी तगो दो मसरूफ ही है। इंशाल्लाह मैं सोचना है कि वो कोई टारगेट अचीव करी किसन वैसे, क्योंकि जिस वेले उन्हें नहीं खबर हुई भी उन्होंने काफ़ी सारा मतलब एफर्ट किया, इसलिए उम्मीद ही पूरी अल्लाह ताला ने जात हुई। तो बाकी ये असा एक पिछले 4-5 साल तू इस शहर बाद अनएक्सपेक्टेड जो मामला वाकया होया, इसने तो पहले वाकई इस तो की कोई क्लियर किस्म ना कोई वाकया डडियाल नहीं तारीख भी इस तरीके नाल नहीं होया कि इतने नडर ते इतनी जुरत नाल डकैत अच्छने बेन। ये सारे लोगों वास्ते भी एक पैगाम है साड़ा कि तुसा अपने घराने अगे पिछे जिस तरीके ना भी कोई बेकारी तको कोई अननाउन बंदा तको तो मुतलका थाने में तुसा इतला दियो। तो हुन जनाब एक वैसे एक पैगाम लोगों वास्ते भी है कि CCTV जेड़े हैं ना वो जरूरी है, बहुत जरूरी CCTV कैमरे बाहर मेन गेट पर और अंदर, ताकि मैं तो चाहना है कि हर एक बंदा लवाया, ताकि कोई भी आने जाने वाला मशकूक शख्स है जरा उसी ट्रेस करने में बहुत आसानी है। दुआ है कि
जितने भी साढ़े मतलब पड़ोसी है या जितने भी डडियाल या जितने भी असें सुनने ले इस चैनल के थ्रू उन्हें रिक्वेस्ट ये कि अपने घर की हिफाजत करो और अपने कार की अवेयरनेस पैदा करो कि इस मामले इन्होंने मामलों तो बचा जाए। ठीक है, और इस पर पूरी मतलब एक तुम लापरवाही ना करो इसी नहीं बिल्कुल अवेयरनेस दियो अपने बाल बच्चे की भी कि दरवाजे पर कोई भी बंदा अच्छा उस जब तक प्रॉपर वो अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे तुम दरवाज़ा ना खोलो। ठीक है, मिस्टेक सी साड़ी घर नहीं भी वैसे कि बगैर मतलब नहीं सा दरवाज़ा खोलना चाहिए। अलहमदुल्ला कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, तो क्या समझना कि जानी नुकसान भी हो सकता। सर मैं सोचना है कि अगर उन्हें कैश ना मिलना या जेवर ना मिलना तो हो सकना वो मतलब गोली चलाई छोड़न या तो उस कोई जानी नुकसान करी तो जान या क्योंकि बंदा जिसलै कोई चीज़ ना मिले तो गुस्से नहीं हालत कुछ भी एक और केस भी होई सकना सी कि अगर फर्ज किया बाहरू तुसा ना अपना घर आलियां च कोई बंदा आ गया तो उस सूरत च भी अपनी जान बचाने च बिल्कुल बिल्कुल उस सूरत च तुसा उपर फायर बाहर ने बंदे पर भी करी सकने या अंदर जड़ा बंदा उन्होंने यरमाल बनाया उस पर भी फायर करी सकने। चलो इस केस ने मुतलिक जितनी भी अपडेट होसी असा तुसा ना लाजमी शेयर कर सा। असा पुलिस जड़ी मुतलका थाना डडियाल है एसएचओ अमार डार साहब उन्हां कोल भी असा इया मुतवक्को करने आ कि वो इस केस की जितनी जल्दी हो सकना वो इन्वेस्टिगेट कर सन। इस केस नाल जड़ी भी पेशरफ्त होसी असा तुसा सारे नाल शेयर कर सा। एक सोशल मैसेज असा देई ओड़िया असा ने इस वीडियो की एक अमानत ने तौर पर तुसा सारे ना फर्ज है जितने जितने लोग इस वीडियो की तकने बेन उन्हां वास्ते एक अमानतन तुसा इस वीडियो की ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि साढ़े अच्छने वाले टाइम में इस तरीके ना कोई भी वाकया ना हो सके। साढ़े चैनल डडियाल पॉइंट की लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि तुसा कि इसने मुतलिक केस ने मुतलिक आज़ाद कश्मीर ने बाकी जितने भी वाकयात होने तुसा कि पता है असा तुसा ने सामने आने वो सारे केस असा तुसा ने सामने पेश करी सकने। उम्मीद करने तुसा कि वीडियो अली अच्छी लगसी तो इस वीडियो की तुसा ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर सो। मिलने अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।